Hi friends, question A wall fifteen meter long, thirty centimeter wide and four meter high is made of bricks, is measuring twenty two centimeter, twelve point five centimeter into seven point five centimeter. If one by twelfth of the total volume of the wall consists of mortar, how many bricks are these in the wall? ठीक है देखो क्वेश्चन समझो एक वाल है सबसे पहले आपको वाल बना देता हूं देखो एक वाल है ठीक है यह समझो यह आपका क्या है वाल है ठीक है तो यहां देखो हां आपको 3D व्यू में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ठीक है देखो ये क्या है आपका उवाल है ठीक है जिसका लेंथ जो है इस वॉल का लेंथ कितना है लेंथ देखते हैं 15 मीटर है ठीक है 15 मीटर लेंथ है और ये ब्रेड जो वाइड है कितना आपका 30 मीटर 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो है हाइट जो है वॉल की कितना है ये 4 मीटर है ठीक है 4 मीटर इसकी हाइट है इसको थोड़ा सा कर, कर दूं ताकि आपको विजुअल हो देखो ये वाल है ठीक है एक वाल है यहाँ पे लिख दे रहा हूं वाल, ठीक है? एक वाल है जिसकी लंबाई जो है कितना फिफ्टीन है? मीटर है जिसकी चौड़ाई थर्टी सेंटीमीटर है और हाई जो है वो फोर मीटर है अब कह रहा है कि इस वाल में जो है क्या चीज बनाया गया ब्रिक से बनाया गया है ठीक है ब्रिक से बनाया गया है तो कह रहा है कि इस वाल को बनाने में कितना ब्रिक्स यूज हुआ है अगर जो है जितना वाल का वॉल्यूम है उसके इसके वॉल्यूम के वन बाई ट्वेल्व पार्ट जो है केवल मोटर है डेट मीन्स जो पेस्ट है जो सीमेंट जो यूज किया गया उसमें देखो ये जो उसका क्या है पेस्ट है यह पेस्ट है यह पेस्ट है यह पेस्ट, पेस्ट है मतलब इसके बीच में दो ब्रिक्स के बीच में और एक ऊपर ब्रिक्स दो लेयर के बीच में जो पेस्ट यूज कर, की जाती है जो मसाला कहते हैं देसी भाषा में वह यूज के जो पेस्ट की दोनों ब्रिक्स को क्या बाइंड करने के लिए वह जो है टोटल जितना वॉल्यूम है इस वाल का उसके उसके जो है पार्ट जो है केवल मोर्टल है तो देख लेते कितना मॉटल है तो देखो सबसे पहले निकाल लेते वॉल्यूम ऑफ मोर्टल मॉर्टर मोटर कितना है तो वॉल्यूम ऑफ मोटर जो है जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल है वॉल्यूम ऑफ वॉल वॉल्यूम ऑफ वॉल के वॉल्यूम ऑफ वॉल के वन बाई टूएल्व ठीक है इतना है ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल आपने देखो वन फिफ्टी तो देखो यहाँ पर मीटर में है ये बीस ये सेंटीमीटर में एक मीटर में है और यहाँ देखो ये जो ब्रिक्स जिससे बनाया गया वो ऑलरेडी टोटल क्या चीज़ में सेंटीमीटर में सभी के सभी क्या है सेंटीमीटर में है तो इसका मतलब सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो देखो फिफ्टीन मीटर है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई इट मींस वन फिफ्टी देखो वॉल्यूम ऑफ द वॉल का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है तो वही चीज मीट आपका लेंथ देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो वन फिफ्टी इंटू ब्रेथ कितना है आपका थर्टी है ब्रेथ थर्टी है तो आपका वन फिफ्टी इसको डबल जीरो हो जाएगा जी क्योंकि पंद्रह जो फिफ्टीन है फिफ्टीन को आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो पंद्रह से हो जाएगा नहीं हो जाएगा और ये थर्टी सेंटीमीटर है फिर आपका फोर मीटर है तो फोर मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में करोगे तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई पाए डेट मीन्स टू जीरो यहाँ पर हो जाएगा आप ट्वेल्व से इसे आप डिवाइड कर दो क्योंकि ये क्या निकाल रहे हो ये निकाल रहे हो आप मॉटल की वॉल्यूम कितनी है ठीक है तो यहाँ देखो तो आपका थ्री से ये फोर बार में कट गया ये फोर से ये फोर कैंसिल हो गया कितना आ गया तो आपका यह वन फाइव डबल जीरो एक यहां पे जीरो है दो जीरो यहां पे है तो आपका इतना हो गया मतलब इतना क्यूबिक सेंटीमीटर जो है मोर्टल की वॉल्यूम है अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाल देते हैं ठीक है वॉल्यूम ऑफ वॉल वॉल्यूम वाल वॉल्यूम ऑफ वाल ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है तो उसको देखो तो वन कितना है उसका है आपका फिफ्टीन हंड्रेड इन जो है फिफ्टीन हंड्रेड इंटू कितना है थर्टी इंटू फोर हंड्रेड इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है तो देखो तो आपका कितना जीरो दो थ्री फाइव तो पहले फाइव जीरो तीन चार पाँच ठीक है अब 15 को 3 से एंड 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है तो देखो तो 215 जो होता है 3 जो होता है 4 करोगे तो 180 आ रहा है तो 180 कर दो ठीक है तो देखो ठीक है तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वॉल टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल देखो t4 लिख देना वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल जो होता है ये टोटल जितना वॉल्यूम है इसमें मोटर जो है जो पेस्ट है वो अभी इंक्लूड है तो हमें क्या करना है हमें निकालना है बस क्या चीज निकालना है हमें निकालना है कि केवल उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सेप्ट मोटर ठीक है, वाल। वाल वाल। है? तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल वॉल वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सेप्ट मतलब ओनली वॉल्यूम ऑफ वॉल वनली ब्रिक्स, 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 ठीक है मतलब उसमें कोई भी मोटर नहीं कोई भी पेस्ट नहीं लगा होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें जो भी वॉल्यूम टोटल वाल है उसमें से जो वॉल्यूम अपनी टोटल वाल उसमें से क्या कर लेंगे इस मोटर के वॉल्यूम को सॉफ्ट करें देखो सुनो देखो आप जो भी घर बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि दो ब्रिक्स के बीच में क्या लगाते हैं पेस्ट लगाते हैं हैं तो तो उसी कहते मोटर तो कह रहा है है कि जो जो भी वाल का टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम उसके के पार्ट केवल क्या है मोटर है डेट मीन इतना जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है केवल पेस्ट है और इतना जो था टोटल वाल का है तो हमें केवल क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है केवल उसमें क्या हो ब्रिक्स हो और कुछ नहीं केवल ब्रिक्स हो तो उसका वॉल्यूम क्या अगर हम टोटल वाल में से मॉडल के वॉल्यूम सपरेट कर देंगे तो हमारा उस उस वाल का निकल जाए जिसमें केवल केवल ब्रिक्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इसमें सपरेट करेंगे देखो वन एट आपका कितना होगा टू एंड देन ठीक है तो यहाँ देखो तो उसके बाद यहाँ यह, इसमें सपरेट करो कितना होगा तो आपका यहाँ पर सपरेट करके लिख दे रहा हूँ कितना जीरो 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 तो जीरो जीरो जीरो, जीरो फिफ्टीन ठीक है सब कर लो तो कितना आ रहा है देखो जीरो से जीरो गया कितना जीरो हुआ जीरो से जीरो, जीरो जीरो गया जीरो से जीरो गया ठीक है जीरो से जीरो देन जीरो से जीरो टेन या जीरो में से फाइव नहीं जाएगा इसलिएगा टेन टेन में से फाइव गया डेट मीन्स फाइव और कितना हो गया सेवन सेवन में से एट हो गया आपका कितना होगा सेवन सेवन में से सेवन हो गया सेवन में से वन गया सिक्स हो गया और एक इतना आपका हो गया ठीक है इतना आपका हो गया ठीक है आपका इतना क्यूबिक सेंटीमीटर केवल क्या चीज हो गया वाल का वॉल्यूम हो गया जिसमें कोई भी पेस्ट नहीं है हमने पेस्ट के जो वॉल्यूम है उसको सपरेट कर दिया है ठीक है अब हमें निकालना है क्या निकालना है पेपर थोड़ा सा ले लू पहले तो देखो अब हमें क्या निकालना है कि उस वाल में कितना ब्रिक्स लगेगा तो देखो तो हमें निकालना है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे जो वाल का जो वॉल्यूम है बाई बाई जो ब्रिक्स का एक ब्रिक्स का वॉल वॉल्यूम ऑफ वॉल वी ओनली ब्रिक्स ओनली ब्रिक्स मतलब जिसमें केवल क्या हो ब्रिक्स हो उसमें से पेस्ट को सपरेक्ट कर दिया बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या होगा आपका ब्रिक वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ठीक है तो वाल का वॉल्यूम क्या है केवल जिसमें केवल पेस्ट केवल पेस्ट नहीं है केवल वाले केवल ब्रिक्स है तो उसका वॉल्यूम है वन सिक्स फाइव जीरो 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 इतना हो गया ठीक है बाय ब्रिक्स की वॉल्यूम कितना है तो देखो ब्रिक्स के वॉल्यूम के लिए आप जानते हो यह सब क्या है ब्रिक्स है जिसका देखो ब्रिक्स है जिसकी डायमेंशन दिया हुआ कहाँ दिया हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ दिया देखो ब्रिक्स की डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ आपको ठीक है जिसकी लंबाई है ट्वेंटी टू सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई जो है डट मीनस ब्रेथ जो है ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है ठीक है तो देखो अब आप जानते हो ब्रिक्स के वॉल्यूम निकालने के लिए वो भी क्या चीज़ सेप में होता है कि वाइड सेप में होता है जिसका उसका भी होता है एल इन टू बी इन एच होता है ठीक है तो वन सिक्स फाइव जीरो 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 ठीक है बाई लेंथ कितना है तो लेंथ देख लो कितना है लेंथ है ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेंटीमीटर तो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर ब्रेथ कितना है ट्वेल्व पॉइंट फाइव है हाइट कितना है हाइट जो है आपका सेवन पॉइंट फाइव है सेवन पॉइंट फाइव या डेसिमल और हटाओगे तो वन डेसिमल पर कितना है? डिजिट एक तो एक जीरो अब इस डेसिमल को हटाओगे तो वन और डेसिमल पर कितने डिजिट है एक है तो एक जीरो हो गया अब इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं ठीक है ठेके? तो देखो तो यहाँ का किए हैं हमने तो आप देखो तो इलेवन से इसे क्या इलेवन वन जिलेवन इलेवन टू जा ट्वेंटी टू तो देखो या इसे हम कैंसिल कर सकते हैं देखो यहाँ पे कैंसिल करके आपका जीरो रहेगा उससे को तो कोई दिक्कत नहीं है देखो इलेवन वन जा इलेवन तो इलेवन फाइव तो जा फाइव फिफ्टीन कैंसिल हो गया तो देखो पंद्रह पचे पचहत्तर हो गया ठीक है पंद्रह पचे पचहत्तर फाइव बार में कैंसिल हो गया सेवेंटी फाइव हो गया तो यहाँ देखो तो यहाँ कितना बच्चा वन आ गया ठीक है वन बच्चा हुआ है तो यहाँ देखो अब आपका क्या हो फाइव टू ज़ा टेन हो गया और टू से ये टू कैंसिल हो गया और यहाँ फाइव टू ज़ा फाइव टू ज़ा टेन और इसे फाइव से कैंसिल करते हैं तो फाइव से कैंसिल करते हैं कितना आ गया आपका फ़ाइव टू ज़ा टेन और ये कितना हो गया फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया ठीक है तो यहाँ देखो अब आपका कितना हो गया फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया ठीक है ट्वेंटी फाइव आ गया अब ट्वेंटी फाइव से इसको कैंसिल करूँ तो आपका ट्वेंटी फाइव देखो यहां पे कितना इस दो जीरो कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे हंड्रेड हो जाएगा कि नहीं हंड्रेड हो जाएगा इस समझना पड़ेगा देखो इस चीज़ को मैं आपको लिख दे रहा ठीक है आपको कहीं कहोगे नहीं समझ में आ रहा एक स्टेप और बढ़ जाता हूं देखो यहां पर लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ ठीक है ठीक है ऐसे लिखा हुआ एन टू देखो टू लिखा हुआ है टू बाई आपका ट्वेंटी फाइव लिखा है अब देखो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हो हंड्रेड इन टू जो थाउजेंड क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बाई इंटू टू बाई ट्वेंटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव से फोर बार कैंसिल हो जाएगा देखो अब फोर टू जा कितना हो गया एट हो गया और कितना जीरो थ्री ज़ीरो है थ्री जीरो है।, है मतलब एट थाउजेंड ब्रिक्स लगेगा उस वाल को बनाने में ठीक है एक बार और क्वेश्चन को समझा दूँ आपको देखो कह रहा है कि एक वाल है एक दीवार है ठीक है जिसकी लंबाई फिफ्टीन मीटर है जिसकी चौड़ाई थर्टी सेंटीमीटर और जिसकी हाइट जो फोर फोर मीटर है ठीक है और ये जो वाल जो है ब्रिक से बनाया गया और इसमें पेस्ट यूज किया गया ठीक है पेस्ट यूज किया गया तो पूछ रहा है कि इस वाल को बनाने में कितना ब्रिक्स लगेगा ठीक है कितना ब्रिक्स लगेगा तो इसमें जो इसमें जो पेस्ट यूज किया गया जो मोटर जो यूज किया गया वह जितना इस वाल जितना भी इस वाल का वॉल्यूम है उसके वन बाय ट्वेल्व पार्ट जो है क्या क्या है केवल मोटर है तो हमें तो क्या निकालना नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले हम जो भी पेस्ट यूज़ किए हैं उस पेस्ट को तो हम बाहर करेंगे उसको सप्टेट कर देंगे तो केवल ब्रिक्स मरेंगे तभी तो ना हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे तो हम क्या करते हैं ब्रिक्स को बाहर कर देते हैं क्या करते हैं ब्रिक्स को नहीं मॉटल को बाहर कर देते हैं तो हम क्या करते हैं मॉटल की जो वॉल्यूम आता है उसको टोटल वॉल्यूम से सप्टेट कर देंगे तो देखो टोटल वॉल्यूम देखो टोटल वॉल की वॉल्यूम आपका इतना आ गया केवल मॉटल की वॉल्यूम इतना आ गया क्योंकि ट्वेल्व से मल्टीपल वन वाई ट्वेल्व से

तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों ओके थैंक यू फ्रेंड्स